सारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगभग हर हफ्ते अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा कर रहे हैं, रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार का मुख्य चेहरा होने के बावजूद ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी ना पनपे, सत्ता विरोधी लहर को रोका जा सके, इसके लिए पार्टी सब कुछ बदल डालो फार्मूला अपनाती आई है। खासकर गुजरात जैसे राज्य में जहां वो लगातार 25 साल से ज्यादा सत्ता पर काबिज है। हम आपको बता दें कि इन 25 सालों में कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री बीजेपी बदल चुकी है, इसलिए विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इस बार आम आदमी कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की बात हम कर रहे हैं, जो कांग्रेस की जगह लेते हुए मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। और यही हाल हिमाचल में भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ असंतोष की लहर है। हालांकि वहां एक बार कांग्रेस और अगली बार बीजेपी सत्ता में आती रही है, ये भी एक परंपरा रही है। बीजेपी को इंटरनल सर्वे से जो पता चला है उसके मुताबिक इन दोनों राज्यों में सीएम की लोकप्रियता 25% है, वहीं पीएम मोदी की 75% से ज़्यादा लोकप्रियता है। इसलिए रणनीति के मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्रियों को चुनाव जीतने के बाद भी सीएम बने रहने का मौका मिल सकता है। बीजेपी साल 2023 तक होने वाले सभी विधानसभा चुनाव में 100% तैयारी के साथ उतरना चाहती है। असली निशाना 2024 के आम चुनाव ही है। लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता विधानसभा चुनाव की जीत से ही गुजरता है, लेकिन विपक्ष इन सब में कहां है? क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में ही बने रहने की जद्दोजहद में लगी हैं। ऐसे में क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती दे सकती है? कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और अभी वो विपक्ष में है, सत्ता की राष्ट्रीय स्तर पर दावेदारी की बात करती है, लेकिन विपक्ष की छतरी जो है यूपीए अगर बात करें तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के साथ क्या विपक्ष के सारे दल हैं कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ेंगे और कांग्रेस इस पर बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में है? आज हम चर्चा इसी को लेकर करने जा रहे हैं। देश की बात में विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नज़र कितना पड़ेगा, मोदी का असर? हमारे साथ आज इस चर्चा में खास मेहमान हैं, अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। गोपाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत है गोपाल तिवारी जी। नितेश चौरसिया हमारे साथ इस चर्चा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ सहयोगी हमारे आरबी उपाध्याय साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम आपसे चाहेंगे उपाध्याय जी करना कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के फेस को लेकर ही एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो आजमाया हुआ है, एक बार फिर से आजमाने की कोशिश है। क्या ये जो बीजेपी की रणनीति है मोदी के फेस के साथ उन राज्यों में चुनाव लड़ने की जहां पर वो सत्ता में है या विपक्ष सत्ता में है, अपने मुख्यमंत्री या अपने प्रदेश के नेताओं को चेहरे से अलग करके मोदी के चेहरे पर, क्या अपने संगठन पर, प्रदेश के संगठन पर और प्रदेश के नेताओं पर या जहां सरकार है वहां की सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आनंद जी आपने कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, चाहे वो सत्ता में है बीजेपी, तो वहां एंटी इंक्रमेंसी फैक्टर बहुत है। वहां उस तरह का विकास, उस तरह की जनता की जो समस्याएं उनको समाधान नहीं मिल पाया है, तो जनता में नाराजगी है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी का बड़ा टेस्टेड फॉर्मूला है, या तो लास्ट टाइम पे मुख्यमंत्री को बदल दो और कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर इलेक्शन को लड़ो। तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो सर्वस्वीकार है और जनता कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करती है
और उसी विश्वास को कहीं ना कहीं कैश करने के लिए बीजेपी हमेशा बहुत सारी जगह पर प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करती है, जबकि जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो राष्ट्रीय चेहरा होता है। और मैं समझता हूँ जब लोकसभा के चुनाव हों, जब देश का चुनाव हो, तब उनको लाया जाए वो ज़्यादा एक अच्छा। लेकिन कई बार जैसे अब गुजरात है, गुजरात की हम बात करें तो वहाँ पर एक लंबे समय से बीजेपी का शासन है और वहाँ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक टक्कर दे रही है, एक मॉडल लेके गई है वो, और वो मॉडल दिखा भी रही है कि भाई दिल्ली में जिस तरह विकास किया है उस तरह गुजरात का विकास होगा, और लोगों में एक आशा जग रही है। उस आशा के साथ ही वो कहीं ना कहीं आम आदमी के पार्ट बनने को तैयार है या साथ जाने को तैयार हैं, और वो आक्रामक प्रचार देखकर साफ साफ लगता है कि उसको रोक पाना गुजरात के मुख्यमंत्री या लोकल लीडरशिप की बस की बात नहीं है। क्यों, लोकल लीडरशिप गुजरात में कौन सा मॉडल डेवलप कर पाए? हम पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर भी कोई विशेष काम नहीं हुआ है। तो जनता देखिए, पिछली बार भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट गुजरात में नहीं थे, नेक टू नेक फाइट था। हाँ, नेक टू नेक फाइट था। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, ये बात अलग है कि थोड़े से उससे वो चूक गई। आज देखिए परिदृश्य कैसे बदल जाता है। आज आप देखेंगे कि न तो मीडिया में स्पेस मिल रहा है कांग्रेस को, न गुजरात में कहीं स्पेस मिल रहा है। अब जो इलेक्शन है, चाहे वो गुजरात का है या मैं आगे कहूँ हिमाचल का है, वहां भी आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी दिख रहा है। और बीजेपी जहां माननीय प्रधानमंत्री के फेस के ऊपर ही इलेक्शन लड़ने के लिए मैं कहूंगा मजबूर है, ये नहीं है कि भी जान ठीक है, मजबूरी है। इसके अलावा कोई और चारा दोनों प्रदेश में दिख नहीं रहा है। वहां जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी वार हैं उनका जवाब नहीं दे पा रही है। और जब कमजोर नजर आती है लोकल लीडरशिप, तब फिर वो मोदी की तरफ मुड़ जाता है। अरविंद जी, रिस्क है क्या? महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उस पर विपक्ष लगातार हावी रहा है, और इस फ्रंट पर क्या बीजेपी डर रही है सामना नहीं कर पाएगा प्रदेश संगठन, इसीलिए मोदी का चेहरा विधानसभा के चुनाव में रहेगा? देखिए आनंद विजय जी, ये सत्य बात है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं और उनकी लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं, सत्ता के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी रखना चाहूंगा आपके सामने कि किसी का नाम बड़ा होता है, उसके मिलता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी बनती है, तो ऐसे नहीं बन जाता है। आदरणीय मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिखाया है, इसलिए देश की जनता उनके नाम पर आज नंबर वन। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि हम करें, आप बताइए कि भारत में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा सक्रिय कौन सा संगठन है? भारतीय जनता पार्टी सातों दिन और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी और हमेशा काम करती रहती है। केवल चुनाव आता है उसी समय होती है कांग्रेस के तरह से। जब कांग्रेस का एक एग्जाम्पल को और आम आदमी पार्टी का हम ले लें, पिछले 24 साल से कांग्रेस में देखिए या तो माता जी अध्यक्ष नहीं है और नहीं तो बीच में 2-3-4 साल के लिए उनके सुपुत्र है, और 24 साल से जिनके वहां अध्यक्ष नहीं आते हो, और पिछले 3 साल से जो पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाई हो, उस संगठन के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी क्या टक्कर देगी? और रह गई आम आदमी पार्टी की बात, तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जब संयोजक बने तो क्या घोषणा की कि हमेशा सर्वसम्मत तांत्रिक तरीके से हम चुनाव कराएंगे और संयोजक साल पे बदलेंगे। लेकिन 8 साल से पार्टी के अधिकतम आए कोई संयोजक ही डिक्टेटर, तो चाहे संगठन का मामला हो या आम का मामला हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी। और एक लाइन और जोड़ के मैं अपनी बात होगा, आम आदमी पार्टी बयान बता रहे अभी प्रदेश में चुनाव गए थे तो इनके डिप्टी कलेक्टर भी आया था कि हम भारी बहुमत से उत्तर सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड में इनका दावा था जब तगड़ा टक्कर दे रहे, क्या होगा गोवा में दावा था कि सरकार जाएगी इनके सामने कहीं नहीं है वहां क्या हो? आम पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी कार्य के बल पे, संगठन क्षमता के बल पे और लीडरशिप के बल पे भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी टिकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ,
कोई टिक नहीं पाएगा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्टेट लीडरशिप में उतनी क्षमता नहीं दिखाई दे रही है कि वो इन लोगों का मुकाबला करे या उन लोगों पर आपको विश्वास हो, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन नीतीश जी आपके पास आना चाहेंगे, अभी अरविंद जी बात कर रहे थे, आपने तो मोदी बनाम केजरीवाल इस्टेब्लिश करने की कोशिश ही कर दी है 2024 के हिसाब से। मेरी आवाज आ रही है क्या नीतीश जी? चलिए नीतीश जी के पास अभी मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं आपके पास आऊं इससे पहले गोपाल तिवारी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस खुद से ही अभी खुद से और खुद में ही लड़ाई लड़ रही है गोपाल तिवारी, और 2024 सामने है, एक लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले कई स्टेट्स के चुनाव भी होने हैं। उन स्टेट्स में अगर हम 2022 के आखिर के चुनाव की बात करें, दोनों प्रदेश जो हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात, ये दोनों आपके मजबूत प्रदेश रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है सत्ता में आने के लिए, लेकिन आप अपने ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, कैसे आप लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी के चेहरे से या नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, सबसे पहली बात आनंद जी ये है कि गुजरात के रिजल्ट जिस तरीके से इस समय मीडिया में और तमाम पार्टी जो है अपने अपने तरीके से उछाल रही हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस कमज़ोर नहीं है और इस बार गुजरात के जितने भी रिजल्ट होंगे, और मैं कहता हूं कि ऐसे रिजल्ट होंगे जो सबको आश्चर्यचकित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। मैं एक बात आपको कहूं कि कांग्रेस के हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं पंडित जगदीश शर्मा जी, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज़्यादा हो, तो वो 365 दिन में 365 दिन वो प्रचार की ही बात करेगा, हर समय वो चुनाव मोड पे रहते हैं। अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि 24 घंटे पार्टी, हम 24 घंटे चुनाव के लिए ही काम करते हैं। ये मैं एक लाइन से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, वे जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, अब आप उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। तो आप क्यों नहीं चुनाव के लिए, आपकी पार्टी क्यों नहीं तैयारी करती? आपसे जब ये पूछा जाता है गोपाल तिवारी, तो आप कहते हैं कि 2400 घंटे 365 दिन वो प्रचार में रहते हैं। पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही होती है ना, पार्टी का संगठन होता है। नहीं नहीं, एक मिनट, सरकार और संगठन दो है, संगठन चुनाव लड़ती है और संगठन चुनाव के लिए अपनी तैयारी करती है। पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, पार्टी का ही संगठन है ना, और किसका संगठन है? तो आप उन पर बोलते हैं, आप अपनी स्थिति नहीं बताते, आप दूसरे के घर में पड़ोसी की बात करने लगते हैं। आनंद जी, आप अपनी बताइए कि 2014 से लेकर आज 2022 में जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहां कहां चुनाव हारी, आपके पास अभी क्या बचा है, कैसे आप सामना करेंगे, ये आप बताइए ना। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? आपके तो लोग छोड़ते जा रहे हैं, आप तो उन्हीं से लड़ रहे हैं। आप गुजरात की बात आप कर रहे हैं, तब आम आदमी पार्टी नहीं थी, आज आम आदमी पार्टी भी है। आप ही के सबसे बड़े चुनौती अगर आपको है किसी से, तो आम आदमी पार्टी से है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता, हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो है, हमारी चुनौती इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने झूठ दो प्रदेश ऐसे हैं, जुमले देकर दो प्रदेश ऐसे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उससे पहले दो प्रदेश ऐसे को तोड़ा है, धर्म के आधार पर देश को तोड़ा है, जाति के आधार पर देश को तोड़ा है, और देश की जनता के मूल मुद्दों से लगातार गुमराह किया है। आज हमारी चुनौती उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, जनता कितना विश्वास कर रही है वो अलग बात है, आपकी बात पर, लेकिन दो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इस आम आदमी पार्टी ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, दिल्ली और पंजाब, सूपड़ा साफ कर दिया। ममता बनर्जी ने वहां पर पश्चिम बंगाल में आपका सूपड़ा साफ कर दिया। आप किससे लड़ रहे हैं? आप बीजेपी से जब जहां लड़ रहे हैं वहां तो आप नहीं जीत पा रहे हैं, आप इन लोगों से भी नहीं जीत पा रहे। देखिए, जनता का मैंडेट जो कुछ भी है वो हमें स्वीकार है, हम तो उसके खिलाफ कभी नहीं गए, लेकिन एक सीधा और सीधे और साफ तौर पर मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी दल हो, कोई भी घटक हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में सिर्फ चुनाव लड़ना ही सिर्फ क्यों चुनाव पार्टियां चुनाव लड़ती हैं? क्या देश की जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना, संघर्ष देश के जनता के मुद्दों को उठाना,
महंगाई की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? नहीं नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना ही है, चुनाव चुनाव इस देश में, इस देश में चुनाव होगा, चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेगी पार्टी। आपकी पार्टी क्यों है? नहीं नहीं, आप क्यों नहीं उठा रहे? आप क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे? आप कब उतर रहे? आप कहाँ है? आप सड़क पर ही नहीं, आप आंदोलन के लिए सड़क पर, आपकी पार्टी सड़क पर आ गई। आनंद जी, उसकी सबसे बड़ी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको ये दे देता हूँ। अगर हम कौन सा बड़ा आंदोलन आपने 2014 से लेकर, सुनिए, लगातार 2014 आप लगातार किया, 4 तारीख को फिर रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं। आंदोलन नहीं होता, रामलीला मैदान में फिर करने जा रहे हैं। सुनिए सुनिए, और आप, अरे अरे सुनिए, 151 दिन का आंदोलन होने जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, गोपाल तिवारी, जरा जरा सुनिए, सत्ता से अगर किसी मजबूत दावेदार को हटाना होता है ना, तो एक दिन रामलीला मैदान और दिल जंतर मंतर पर नहीं होता। 1974 की तरह, सुनिए, 74 की तरह आंदोलन होता है, समझ गए? भारत जोड़ो सड़क के रास्ते गाड़ियों में बैठ के नहीं होता, भारत यात्रा होती है, जो चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 6 महीने पैदल यात्रा की थी, वो होती है। वो आप कहां कर रहे हैं? एयर कंडीशन से बाहर निकलेंगे तब तो आप चुनौती देंगे। आप पड़ोसी की बात करते हैं, नीतीश जी, मुझे ऐसा लग रहा है, नीतीश जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, सरकार को डिफेंड करने नहीं, के लिए नहीं, आप आपको लगेगा, अरे मेरी आपको बात सुनने दीजिए, अरे आपकी बात, मेरी बात तो आप कांग्रेस की बात कर ही नहीं रहे हैं, बात तो सुनने दीजिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप, मैं पूछ रहा हूँ आपकी बात, तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो 2400 घंटे मोड में रहते, आप क्यों नहीं रहते? अच्छा, आप क्यों नहीं रहते ये बताइए, बता दीजिए, आप ये बताइए, अभी सर्च करके देख लीजिए। अरे सुनिए सुनिए, ये सट्टेबाजी नहीं है ना, ये सट्टेबाजी नहीं है कि शर्त लगाएंगे, नहीं नहीं, ये सट्टेबाजी नहीं हो रही है कि शर्त लगाएंगे। नीतीश जी, अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है तो क्यों उनकी बार बार मुख से उनका कांग्रेस का नाम आता है? कहां से आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी के 100 में से 80 भाषणों में कांग्रेस का नाम आता है, इसीलिए खुश है, इसीलिए खुश है आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का नाम लेती है, खुश होने का, आपके छोड़ दो, आपके खुश होने की वजह यही है कि उनके नाम पर, उनकी जुबान पर कांग्रेस आ रही है, ठीक है, उन्हें मालूम है, पता नहीं, उन्हें पता नहीं है कि सत्ता से, पता नहीं, चलिए, अरे डर तो आम आदमी पार्टी को आपसे नहीं लगती है। नीतीश जी, नीतीश जी, आपने तो मोदी बनाम केजरीवाल को एस्टैब्लिश कर दिया है और इसकी कोशिश भी आपने शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे सामना आप करेंगे? आप उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, इन जैसे प्रदेशों में आप चुनाव जब लड़ते हैं, जहां पर सीधी टक्कर या सीधा मुकाबला बीजेपी से है, वहां पर आप धाराशायी हो जाते हैं। आप दिल्ली और पंजाब में जरूर अच्छा कर रहे हैं, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाती है, और दिल्ली में तो खैर आपने कांग्रेस को हराया था, और वहां पर कांग्रेस और बादल साहब की पार्टी को हराया। कैसे 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बात करें, या बाद में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 का जो चुनाव होने वाला है, बीजेपी और मोदी से लड़ेंगे? विपक्ष का एक जो मूल जिम्मेदारी है वो आज के समय में देश में कोई निभाने को तैयार नहीं है, उसकी जो कमी है वो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास कर रही है। गुजरात में, हिमाचल में, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, देखिए, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना, दोनों एक अलग हमारी स्ट्रेटजी होती है और दोनों की स्ट्रेटजी के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, गुजरात में कांग्रेस को हमने साइडलाइन करके बीजेपी को आमना सामना टक्कर होने का साफ उदाहरण, साफ सर्टिफिकेट ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारियों पे हमले हो रहे हैं। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे दूंगा, अभी परसों की बात है, हमारे कल प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हमारे सांसद राघव चड्ढा जी और संदीप पाठक जी वहां मौजूद थे, भाई उन पे हमले होना इस तरीके की, ये बात साबित करती है कि इन तीनों के अंदर खलबली मच चुकी है। अब आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हमारे आने से देखिए चीफ मिनिस्टर बदलने शुरू हो गए, गुजरात में हमारे आने से चीफ मिनिस्टर बदलने शुरू हो गए, हिमाचल प्रदेश में बदलते बदलते रह गए। देखिए, हम जब जमीन के मुद्दे, हम वहां की कमियां निकालते हैं, जब हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं, जब हम उस संघर्ष को करते हैं, हम लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, तो जनता हमें चुनती है। अभी एक किसी चैनल का सर्वे आया था, मैं पढ़ रहा था, उसमें ये निकल के आया कि 51% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी कट्टर टक्कर दे सकती है गुजरात में, और अभी इलेक्शन 6 महीने हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा होगा,
और जिसका परिणाम आप 24 में देखेंगे। गोपाल तिवारी तो ये मान ही नहीं रहे, आपको सीरियसली ले ही नहीं रहे गुजरात में। कहाँ चले उत्तराखंड में, जिन्होंने मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। अभी का सवाल है, मैं पूछ लेता हूं। तो कांग्रेस पार्टी को अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि पार्टी का काम किसी प्रकार का चुनाव लड़ना नहीं होता है। इन्हें आज जाके एडवाइस देना चाहिए कि कांग्रेस अपनी सदस्यता निरस्त करा दी, इलेक्शन कमीशन से अपनी जो इलेक्टोरल उनके राइट्स है वो विड्रॉ कर लिए जाए। मैं तो इनको यही कहूंगा जाके कर ले, पहले समझ के आए कि पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य मुख्य उद्देश्य जो होता है वो राजनीति से चुनाव लड़ना होता है। उस चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ जमीन जमीन पे चुनाव जनता के मुद्दे के लिए संघर्ष करना होता है, विपक्ष का काम करना होता है, दारू के ठेके खुलवाना काम होता है। दोनों डिफरेंस को समझ ले, आप विपक्ष में इसलिए सरकार के अध्यक्ष खड़े होंगे, और चूंकि चुनाव लड़ना है इसलिए आप जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे। दोनों के अलग अलग डिफरेंस है, दोनों को डिफरेंस को समझे। नहीं समझ में आता तो देखिए, अनाउंस करके राहुल गांधी चले गए इटली, आप भी आप अनाउंस करिए और चले गए कोई अच्छा सा पैकेज लेके कहीं घूम घाम आइए। इससे अच्छी बात क्या है, आप लोग जनता के लिए कितने गंभीर है ये तो जनता खुद देख रही है। और मैं एक चीज और बता दूं, जब तक इस देश में राहुल गांधी बना मोदी रहेंगे तब तक मोदी जी को हटाने वाला कोई नहीं है। भाजपा के स्टार प्रचारक माननीय राहुल गांधी होता है, जब तक मोदी बनाम राहुल गांधी होंगे तब तक तो मोदी को कोई नहीं हटा सकता, ये कह रहे हैं, इसका आप जवाब दे दीजिए। देखिए आनंद जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे दो मिनट मेरी बात रख लेने दीजिए प्लीज। आज इनके पास सरकार गिराने के लिए पैसा है, विधायक खरीदने के लिए पैसा है, चुनाव में अंधाधुंध रैलियों में जुमले फेंकने के लिए पैसा है। देखिए सवाल वो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप वही जवाब दे रहा हूँ, वही बात कर रहे हैं जो अभी आपने कहा। देखिए आप वही बात कह रहे हैं जो आपने अभी पहले कही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नहीं नहीं स्वतंत्रता है लेकिन हमारे पास समय की भी है। नहीं नहीं आपने वो बातें कह दी थी, मैं कह रहा हूं समय की भी बात देता हूं। जब सेना नहीं, आप सुन तो लीजिए, जब सेना ये कहती है कि हमको पैसा दे दो तो ये कह देती है कि नहीं हम तो तुम्हारे 63,000 राहुल गांधी सक्षम है। मेरा सवाल देखिए, आप कहीं और जा रहे हैं, राहुल गांधी सक्षम है मोदी को चुनौती देने के लिए? यही तो बात है, आप मानते ही देश के जनता के मुद्दों की बात करो, आप सीधे से उसको रिजेल करने की कोशिश करते हैं। आप एक मिनट गोपाल तिवारी, एक मिनट सुनिएगा, पहले सुनिएगा उसके पास जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी सक्षम है मोदी को चुनौती देने के लिए, ये सवाल जब पूछा जा रहा है तो आप सीधे हाँ नहीं बोल पा रहे हैं, आपको शक है क्या राहुल गांधी पर? मैं कह रहा हूँ आपको शक है क्या, आप सीधे बोलिए कि हाँ है, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी से लड़ने में राहुल गांधी 101% नहीं 1101%। तो ये मुझे आपको कहवाने के लिए कहना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी को डर लगता है। आज 8 साल के बाद यदि कांग्रेस की इस देश में कोई हैसियत नहीं है, कितने साल बाद बता दीजिए, कितने साल बाद मोदी को राहुल पार्टी के कार्यालय से यदि 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 80 में कांग्रेस का जिक्र, प्रधानमंत्री के 100 भाषण हुए हैं, उसमें से 80 में उन्होंने लगातार कांग्रेस को उन्होंने जो है कोसा है। क्यों कोसा है? अगर आज कांग्रेस की हैसियत जीरो हो गई तो उन्हें हटा देना चाहिए अपने मन उनसे एजेंडे से। कांग्रेस को क्यों नाम लेते हैं कांग्रेस का? ये तो कांग्रेस का है, कांग्रेस अब तो कांग्रेस हटा रही है, कोई नहीं हटाता किसी को। अरे जनता हटाती है, जनता हटाती है, किसने हटाया? अरे किसने हटाया? बिल्कुल हटा रही है जनता ने, हटाया ना जुमले, जनता ने वोट नहीं दिया वो खुशने वाला है। अच्छा आपने जुमला बताया, आपने जुमला बताया, आप गलत कह रहे हैं, आप तिवारी करेक्ट कर रहे हैं अपने आप। नहीं आप लोग जनता को गिनते ही नहीं है, आप लोग जनता को, ये 19 में भी आप यही बात कह रहे थे, सम्मान नहीं करते हैं, आप 19 में भी यही बात कह रहे थे, आप अब 24 पर आ गए, अब आप 24 पर भी आ गए। अरे एक तरफ बात करें, जनता की अदालत का फैसला है, जनता की अदालत है, जनता की अदालत है, आपको सत्ता से अलग हटाया, ये आपको मानना होगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं हटाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं हटाया, जनता ने वोट नहीं किया। अगर जनता कांग्रेस को वोट करती, जनता सपोर्ट करती। एक मिनट आप बोलिएगा, आप ये बोलिएगा महाराष्ट्र की बात, जनता वोट ही नहीं, नहीं आप महाराष्ट्र की बात, आपको सत्ता में कौन बिठाएगा? आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सत्ता में लाएंगे आम आदमी पार्टी, आप महाराष्ट्र बताइए ना, क्या हम लोग सत्ता में बताइए, मैं जाऊँ मैं भी के पास, सत्ता में तो जनता लाती है, जनता वोट करती है, जनता चुनती है। आप जनता का मजाक बना रहे हैं यहाँ बैठ करके, आप जनता को गिन ही नहीं रहे कहीं।
आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, आपने किया, आपने किया, आपने किया बिहार में, एक मिनट, अरे अरे गोपाल जी संघर्ष कर रहे हैं आप, अरे गोपाल जी, अरे जनता से कनेक्ट करिए, ना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ना आप कहीं जनता की बात को रख पा रहे हैं, ये अरे भाई जनता का सम्मान कहाँ कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं जनता का, आप पार्टी के, एक मिनट, अरविंद जी ने आपको बाहर किया सत्ता से, सत्ता से बाहर ठीक है, अब जरा गोपाल तिवारी जरा बात गोपाल सम्मान अरे गोपाल तिवारी आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, जनता की बात सामने वाला सुनने की बात नहीं होती ना, अब आप कह रहे हैं कि जनमत का सम्मान बिहार में आपने किया, आपने आपने बिहार में किया, और ये बहुत हल्की बातें होती हैं कि पैसों पर, बहुत हल्की बातें होती हैं, और 2014 के पहले क्या हो रहा था, 2014 के पहले क्या हो रहा था उसका जवाब दीजिएगा, खैर चलिए चलिए अरविंद जी, अरविंद जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट नहीं, नहीं नहीं चुप, पानी पियो, पहले पानी पी लो, एक मिनट, पानी आप पी लो, एक मिनट प्लीज, प्लीज व्यक्तिगत तौर पर नहीं, आप बैठिए एक मिनट, आगे भी चर्चा कीजिए, इतनी इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हाइपर तो आप उन्हें समझा, अरे आप नहीं नहीं प्लीज पानी पियो, प्लीज आप मुझे मत बताओ, सुनिए अरे गोपाल तिवारी, गोपाल तिवारी आराम से बात कीजिए, आप जो अपनी बातों को रखिए ना, आप हम आपका सवाल मेरा था, आपसे मेरा सवाल था, पूरी कर लूं दो मिनट, एक जरा जरा अरविंद जी को ले लेते हैं, अरविंद जी ये सारी चीजें हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, अब आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती की बात हो रही है, मोदी के चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है, 2024 के लिए क्या ये लोकप्रियता मापने का एक मीटर आप उसके तौर पर देख रहे हैं कि प्रदेशों में हम जाएं, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, त्रिपुरा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर हम जाएं तो मोदी के नाम पर, और हम देखें कि लोकप्रियता कितनी है, और उसी लोकप्रियता के आधार पर हम 2024 की तैयारी करेंगे, रणनीति बनाएंगे। देखिए आनंद विजय जी, मेरा मानना है कि आपको सत्ता में रहने के लिए जनता को आशीर्वाद चाहिए होता है, जनता इस देश की मालिक है, जिसको चाहे कुर्सी पे बैठा है, जिसको चाहे उतार दे, और उसके आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, जहां हमारी सरकार है जनहित का काम करे, ये सरकार का दायित्व तो होता है, संगठन का दायित्व तो होता है, जनता के बीच में काम, हम दोनों मोर्चों पर बखूबी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा आनंद, भी काम करते हैं हमारे मुख पे कसर रहती है कि कोई ना कोई कमी रह गई है और अच्छी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के मित्र संतुष्ट है कि उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन है और उनके लीडरशिप की लोकप्रियता बहुत अच्छी है, तो मैं इसमें निगेटिव कमेंट नहीं करता, इतना ही करूंगा, उनका बेहतरीन प्रदर्शन क्षमता कांग्रेस को मुबारक, इसी मुगालते में बने रहे, समस्या का समाधान तब संभव है जब आप कमी और समस्या को स्वीकार करेंगे, राहुल गांधी मानने को ही तैयार थे कि कांग्रेस के अंदर कमी है, एक एक के साथ छोटा छोटे चले जा रहे हैं, और मैंने कहा था हमारे ओपी में कहा माइन यही है, ठीक है, साइन लोगों की पार्टी आ गई है, फिर भी गुमान इतना है कि एंड तक कोई पार्टी की जो प्रवक्ता है बोले नहीं ठीक ठीक है, एक एक कमेंट जरूर हम आपसे लेना चाहेंगे नीतीश जी, अब सीधी बात हो रही है चुनाव की, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप जा रहे हैं लेकिन वहां जाने में आपको सीरियसली कोई ले नहीं रहा है, 2024 के लिए आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं और वही एक फेस हैं जो कि मोदी को टक्कर दे सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वो टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप कैसे देंगे जब आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्य हैं, वहां पर आप एंट्री ही नहीं कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा की, और वहां पर जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक दिल्ली तक का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमें पसंद कर रहे हैं और काफी अच्छे तादाद, देखिए अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, हर स्टेट का अपना एक दायरा हो सकता है, हर स्टेट के अपने अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं, उस चीज को हम नहीं मीट कर पाते होंगे, लेकिन आप देखेंगे सबसे छोटी पार्टी होने के नाते सबसे कम समय में सबसे ग्रोथ करने वाली सबसे पहली पार्टी आम आदमी पार्टी है,
तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से इसका ग्रोथ अन्य भी राज्यों में देखने को मिलेगा, और साथ जहां आप नाम ले रहे हैं वहां भी एक अच्छा जनाधार आपको देखने को मिलेगा, मैं आज आपको ही विश्वास दिलाता हूँ। आखिरी कमेंट सर, आप नेता कर रहे थे, देखिए ऐसा लगता है ये तो गजब है। देखिए लोकतंत्र है, कोई भी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और एमपी जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी का चेहरा भारी पड़ेगा। देखिए डेफिनेटली मैं समझता हूँ अभी 2024 में जो भी विपक्षी दल हैं सब पर कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है और जो कार्य करने की क्षमता बीजेपी में है उससे लगता है कि बिल्कुल भारी पड़ेगा। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा लगता है कि भाई सत्ता कहीं बीजेपी छीन कर लेगी। अरे बीजेपी ने थोड़ा छीनी सत्ता, सत्ता तो जनता छीनती है, जनता ही सत्ता में बिठाती है। ठीक, आप जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो आपकी कमी है। ठीक, उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता के पास जाना होगा, जनता से कनेक्ट करना होगा, उनके और मन की चेहरा आप जिसको बनाइए और जनता जिसको एक्सेप्ट करेगी वही फाइनली प्रदेश में या देश में काबिज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए अरविंद जी, गोपाल तिवारी जी, नितेश चौरसिया जी और आरबी उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बात में आज इतना ही, जुड़े रहिए सारा समय के साथ। सारा अपना